नमस्कार दोस्तों, हम अपने क्वेश्चन नंबर 31 पर थे, जो कि क्या था, मेरा क्वेश्चन था मेरा कि मेरे पास कोई ये मेरे पास 31 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 1 3 × 5 × 7 × 99, इसमें मुझे बताना है नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ। अब एक बात देखिए आप, ये नंबर क्या है मेरा, साइज है, ओड नंबर है। अगर मुझे क्या बताया, जीरो कैसे बनता है, मेरे को जीरो के लिए 5 भी चाहिए और 2 भी चाहिए। इसके अंदर 5 तो मिल जाएगा बट 2 कहीं नहीं मिलेगा, तो मतलब क्या है, इसके अंदर मेरे जो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, जीरो, मतलब कि कोई भी मेरा जीरो नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 31 पे, 32 पे चलते हैं। 32 क्या गिवन है मेरे पास, 32 गिवन है कि क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 5 × 10 × 25 × 40 × 50 × 65 और क्या होगा इंटू में 125 × 80। अब एक बात देखिए, अगर मैं अपने इसके अंदर मुझे निकालना क्या है, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो डिपेंड किस पे करते हैं, 5 पे करेंगे या आपका उस पे क्या कहते हैं, 5 पे करेंगे या आपका 2 पे। अब देखिए इसमें 5 ज़्यादा है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ मैं 2 कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर 2 कम है तो पेयर तो मेरे 2 फिर 2 बनाएगा, जो कम होगा वो पेयर बनाता हमेशा। इसके अंदर 2 कितने हैं, 1 है, ठीक है, और इसके अंदर 2 कितने हैं, 8 × 40, 2 की पावर 3, 3 ये हो गई, ठीक है। इसके अंदर कितने हो जाएंगे मेरा, 5 5 और 2, मतलब कि 1 है, ठीक है। इसके अंदर 0 है, इसके अंदर 0 है, इसके अंदर 2 और 3 8, फिर 2 × 5, मतलब कितने हैं, 4, टोटल कितने हो गए, 1 यहाँ पे, 2 और 1 3 प्लस में 4 मेरा, ए सॉरी 3 ये हो गए मेरे, ठीक है, 1 ये हो गया है और 4 ये हो गए, मतलब कि 4 और 3 7, 4 6 कितना हुआ है, 1 3 सॉरी ये 1 है, ये है फिर 4, मतलब कि 9, नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएगी, 9। और आपका इसमें डिपेंड किस पे करेगा, 2 पे डिपेंड करेगा, ना कि 5 पे डिपेंड करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ 5 बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। देख 5 के अंदर भी 5 है, 25 के अंदर 5 है, 40 के अंदर भी 5 है, 50 के अंदर 5 है, तो मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ 2 कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है। तो मैं पेयर बनाने के लिए 2 की पावर 9 चाहिए मुझे, ठीक है, तो मेरे पास नंबर ऑफ जीरो कितने जाएंगे, 9। अब चलते हैं 33 पे। अब 33 क्या है मेरे पास, 33 में ये है मेरे पास में कि मेरे पास 1 3 5 × 99 × क्या है, 100। इसी में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। अब आप एक बात देखिए, यहाँ पे क्या है मेरे पास कि मैं अगर इसके अंदर तो मेरा कोई जीरो नहीं होगा, क्योंकि सारे ओड नंबर हैं, 2 तो इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है, तो मेरा डिपेंड किस पे करेगा, सिर्फ इस पे कि डबल 2 जीरो मेरे सिर्फ यहीं पे है, तो मतलब नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। आंसर क्या होगा मेरा इसका, आंसर हो जाएगा मेरा इसका डी, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे चलते हैं 34 के अंदर, 34 में क्या गिवन है, 34 में क्या है, 34 में है मेरे पास कि मेरे पास कोई नंबर है, मतलब कि क्या है ये मेरे पास, ये 10 × 20 × 30 × 1000। अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर से 10 की पावर 1 यहाँ से कॉमन, 2 यहाँ से 3, ऐसे से मेरे पास 100 पावर आ जाएंगी, मतलब 10 की पावर 100 कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, तो क्या बचेगा, 1 × 2 × 3 × 100। अब मेरे ये क्या बन गया, मेरे ये बन जाएगा 100 फैक्टोरियल। अब मैंने इसकी नंबर ऑफ जीरो कैसे निकाल ली थी, मतलब कि 100 के मैं 5 से कर दूंगा, तो 5 × 10, 5 × 20, तो कितनी आ गई नंबर जीरो, 24। 24 आपकी ये जीरो जो मेरी 100 फैक्टोरियल से आई है, और 100 आपकी ये, तो कितना आ गया टोटल मेरा, 124।
ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। 24 34 पे, 34 हो चुका है एक्चुअली, 35 पे बढ़ते हैं। 35 के गिवन है, 35 गिवन है कि मेरे पास कोई नंबर है, कैसे है, 1 की पावर 1 × 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, ऐसे करके मेरे पास 100 की पावर 100 है। इसमें पूछा हुआ नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब डिफिकल्ट इन द सेंस मतलब कि कैलकुलेटिव है, तो आप इसका आंसर याद कर लीजिए 1300। आपको मैं बता देता हूँ कैसे होगा, ये करना क्या है आपको ना, इसके अंदर सिर्फ 5 की पावर कैलकुलेट करनी है, ठीक है, क्योंकि देखो 100 में आपकी पावर 1 0 तो यहाँ पे हो ही जाएगी, ठीक है। मतलब करना क्या आपको, आप क्या क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए, मैं 5 की पावर 5 तो यहाँ पे बन गई, अब 10 के ऊपर 5 होगी तो 10 बार वो बन जाएगी, मतलब 10 के ऊपर 10 होगी, 15 के ऊपर 15 होगी तो 15 आपकी 15 वो बन जाएगी, ऐसे से होगी आपकी 20 से लेके 100, 100 आपकी यहाँ पे बन जाएगी। नंबर ऑफ 5 है मेरे, नंबर ऑफ 5 इसके अंदर कितने होंगे, 100 होंगे, इसके अंदर मेरे 5 होंगे, 10 के अंदर, 10 के ऊपर 10 है तो उसके ऊपर 10 होंगे, ठीक है। अब ऐसे ही ये मेरा कितना बन गया, इसको कैसे कर सकता हूँ मैं, n/2 होता है, n/2 आपका फर्स्ट टर्म अपॉन प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। अब n क्या है मेरा, ये 1 2 3 मतलब कि 5 का पूरी 5 की टेबल है, तो मेरा 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 20 अपॉन 2, ए क्या मेरा 5 और एल क्या मेरा लास्ट टर्म 100, मेरे पास कितना आ गया 10, तो मेरे पास कितना आ गया ये 1050, ठीक है। ये 0 तो मेरे पास में हो गई, ठीक है। इसके बाद में जो बच गई मतलब जो रिपीट है, जैसे 25 है, 25 की पावर 25 है, तो मैंने 5 तो 25 बार लिख लिया यहाँ पे, बट फिर बच गया ना 25 बार, तो मैं क्या करूँगा वो करता हूँ कैलकुलेट, 25 25 में बच गया, 25 रह गया, ऐसे ही 50 के अंदर होगा, ठीक है, ऐसे ही मेरा 100 और 75 बचेगा, तो कितना बचा मेरे पास, ये मेरे पास टोटल आ जाएगा 250, ठीक है, तो कितना बन गया 1300, ठीक है, मेरा ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 क्या है, मेरे पास क्वेश्चन गिवन है कि 3 की पावर 123 − 3 की पावर 122 − 3 की पावर 121, ठीक है, मल्टीप्लाई के साथ में ये 2 की पावर 121, 2 की पावर 120 − 2 की पावर 119, मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ, 3 की पावर 121 कॉमन लेता हूँ, तो क्या बचेगा, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0, ऐसे ही 2 की पावर 119 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, तो क्या बचा, 3 की पावर 121, ये बचा 9 − 3 − 1, ठीक है, ऐसे ही 2 की पावर 119 क्या बचा, 4 − 2 − 1, ठीक है, तो ये बच गया 3 की पावर 121 × 5 और 2 की पावर 119 × 1। अब देखिए नंबर 0 के लिए मुझे क्या चाहिए, 5 और 2 का पेयर। अब एक बात देखिए, 5 की पावर 1 है यहाँ, 2 की पावर 119 है, तो मेरे पेयर कितने पॉसिबल है, 5 और 2 का, तो मेरा एक ही पेयर पॉसिबल है, मतलब कि इससे मेरा क्या जाएगा, नंबर ऑफ 0 कितना आ गया, 1, ठीक है, आंसर क्या होगा मेरा इसका, 1 मतलब ऑप्शन ए, ठीक है। आगे चलते हैं 37 पे, ऐसे ही मेरा 37 क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन में क्या गिवन है कि मेरे पास एक टर्म तो यही है 3 की पावर 123 वाली, और आपके पास दूसरी टर्म कौन सी है, दूसरी टर्म है मेरे पास 8 की पावर 253 − 8 की पावर 252 − 8 की पावर 251, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मैं इसके अंदर वही प्रोसीजर करता हूँ, ये मेरा क्या आ गया था, 3 की पावर मैंने इसके अंदर 121 को मैं ले गया था, ये 9 बन गया, ये 3 की पावर 1 बचेगा 3, ये मेरा 1, तो ये क्या बचेगा, 8 की पावर 251 को मैं ले गया मैंने, इसमें क्या बचा, 8 की पावर 2 बचेगा 64, या 8 की पावर 1 बचेगा या 1 बचेगा, ठीक है, क्या बचा मेरे पास, 3 की पावर 121 × 5 × 8 की पावर 251, ठीक है, आगे 251 और इंटू ये मेरे पास 55। अब देखिए मेरे पास 1 5 तो मेरा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, और 1 5 मेरा यहाँ पे बन रहा है। अब मेरे पास 2 तो मेरे पास 251 के डबल हो जाएगा, मतलब कि 400, ये मेरे पास डबल हो जाएगा इसका, मतलब कि 8 2 मेरे पास ज़्यादा है, 5 कम है, तो मैं क्या करूँगा, पेयर बनाने के लिए जो कम हो गया वो देखना है, तो 5 की पावर कितनी कितनी यहाँ पे 2 है, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो नंबर ऑफ 0 कितने जाएंगे,
नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे दो हो जाएंगे, यानी कि आपका ऑप्शन इसका बी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मेरा क्वेश्चन था 37। ठीक है, 38 पे चलते हैं। अब हमारा नंबर ऑफ जीरो वाला कंसेप्ट खत्म हो चुका है, हम जा रहे हैं रिमाइंडर पे। ठीक है, रिमाइंडर में क्या करना है हमें, रिमाइंडर में आपका 38 क्वेश्चन है। 38 क्वेश्चन क्या गिवन है कि मेरे पास ये 1372 है इंटू 1276 है, आपको डिवाइड करना है 9 से, इसका रिमाइंडर बताना कितना होगा। अब आपको पता है हम 9 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है, जिसका सम डिजिट का सम 9 होगा, तो जो 9 बन रहा है वो काट दीजिए, रिमाइंडर अपने आप बच जाएगा। मतलब कि 7 और 2 9, ये खत्म, रिमाइंडर क्या बच गया, 4 बच गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 और 2 9 खत्म, रिमाइंडर कितना बच गया, यहाँ पे 7 बच गया। ठीक है, 7 चौक 28, अगेन 9 से डिवाइड कीजिए, क्या रिमाइंडर आया आपका, 9 3 27, एक रिमाइंडर बचेगा, मतलब कि रिमाइंडर मेरे पास आ गया 1। ठीक है, अब ऐसे ही आपका 39 क्वेश्चन है। 39 क्वेश्चन में क्या करना है आपको, थर्टी नाइन क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको, आपके पास ये नंबर है और ये नंबर है और ये नंबर है। ठीक है, आपको डिवाइड करना है 15 से। अब आपको पता है अगर मैं इसको इसके आपने मॉड्युलरिटी कंसेप्ट पढ़ा होगा, हम क्या करते हैं इसके अंदर, पहले इसके हम डिवाइड कर लेते हैं। अब 3 से निकाल दूँ तो क्या बचेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, तो क्या बचा, 3 बजे 15, मतलब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जिस नंबर से मैंने इसको बाद में गुना करना है, कि जिससे हम डिवाइड, जिससे हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं, जो नंबर हम रिमाइंडर आने के बाद में उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब मेरा इजी हो जाएगा 5 से करना, तो कितना बच गया इसमें, रिमाइंडर कितना बचेगा 5 से करूंगा, तो 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10 ये यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 5 चौक 20 2, 5 चौक 20 फिर 2, 5 चौक 20 यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा मेरा। ठीक है, तो कितना बना 2, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया, 5 के हिसाब से मेरा कितना बचा है, मतलब कि 2, ये रिमाइंडर बचा जो मैंने 5 से डिवाइड किया है। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या, जब मैंने 15 से किया हो तो मैं क्या करूँगा, जो रिमाइंडर आया उससे बाद में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब कि मैं क्या करूँगा 2 को 3 से करूँगा, तो क्या जाएगा मेरा 6। अब मेरा ये 6 क्या, मेरा एक्चुअल रिमाइंडर मेरे पास ये आएगा। ठीक है, ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। अब 40 पे चलते हैं। 40 क्वेश्चन क्या दिया मैंने आपको, 40 गिवन है कि मेरे पास ये 40 है, इसमें क्या गिवन है कि ये नंबर है मेरे पास और ये नंबर है, ठीक है, मुझे करना किससे, ये 27 से। अब इसमें भी आपका वही है, आपने 9 का डिविजिबिलिटी इजी पड़ता आपको, तो आप इसको 9 में काउंट कर लीजिए, मैं इसको 3 से काट देता हूँ, 3 27। ठीक है, कोई नंबर देखिए जो 3 से आपको होता हो, ये वाला नंबर 3 से हो रहा है, 3 3 9 और 3 3 9 3 4 12। ठीक है, आपके पास ये आ गया। अब मैंने यहाँ नंबर लेता हूँ जिससे मुझे बाद में मल्टीप्लाई करना है रिमाइंडर को, ये 3 नंबर है। ठीक है, ये नंबर है, अब क्या करूँगा, आप 9 से कर दीजिए, आप 1 1 2, यहाँ पे 2 बचेगा रिमाइंडर। 9 में क्या है, 9 में 3 में इजी रहता है, मतलब कि आप सिर्फ सम देखिए, जितना भी 9 से कम हो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अब देखिए 2 है, ये 9 से कम 2 ही है। ठीक है, सीधा सीधा, अब यहाँ देखिए 4 3 7 8 9 10, ये 10 है, तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका बच जाएगा 4 3 7 8 9 10, तो एक रिमाइंडर यहाँ बचेगा, यहाँ पे आपका 4 बनेगा, यहाँ पे आपका 5 बनेगा। अब देखिए 5 चौक 20 दूनी 40, अब 40 बचा रिमाइंडर, 9 अगेन फिर डिवाइड कीजिए, तो कितना बचेगा, 9 चौक 36, 4 बच गया। अब देखिए आप, आपका 4 बचा है, तो मेरे को लास्ट में ये रिमाइंडर मेरा जब आया तो मेरा 9 है, पर मुझे चाहिए कब, जब मेरा 27 होता, जो मैं 3 से इसको पहले इसमें से फैक्टर निकाला था वो दोबारा इसमें ऐड करना है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आएगा रिमाइंडर मेरा 12। ठीक है, तो आंसर क्या होगा मेरा 12। ठीक है, अब आगे चलते हैं 41 में। 41 में क्या है, मेरे पास ये नंबर है 1234, 12 देखिए, इसको 9 से इसका रिमाइंडर निकालना है जब ये 9 से डिवाइड हो। अब 9 से करना तो इजी है ही, क्या करना है, जो 9 बन रहा वो निकाल दीजिए, जो बचेगा रिमाइंडर हो जाएगा, 4 3 7 8 9, ये 8 9 हो गया, इसको खत्म कीजिए, बचा कितना, 1, ये रिमाइंडर हो गया। ठीक है, यहाँ पे 5 4 9 खत्म, 3 2 5 1 6, ये 6 बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे 7 और 2, मैं ये वाला और ये वाला काट देता हूँ, 9 बन गया,
अब मेरा ये 8 3 11 बचा कितना, दो, दो मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, इसको गुना कर दीजिए, 6 2 12, तो मेरा 12 आ गया, अपॉन 9 है, तो मैं क्योंकि कभी भी आपका रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, जिसे मतलब कि आप भाग करते हैं उसे बड़ा नहीं हो सकता, तो मैं दोबारा फिर इसका डिवाइड करूंगा, तो 9 1 9 बचा कितना आपका 3, तो आपका एक्चुअल रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब आगे चलते हैं 42 में। फोर्टी टू क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 4 8 5 1, ठीक है, इंटू 6 1 8 6 9, अब 4 8 7 1, इसको डिवाइड करना है मुझे 24 से, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसमें से 8 कॉमन निकाल लूँ, 3 बच जाएगा, 3 से मेरा इजी रहेगा, क्यों, क्योंकि फिर मेरे को सिर्फ सम चेक करना पड़ेगा 3 से करूँगा, तो मैं क्या करता हूँ इसमें, मैं इसमें करता हूँ कि 24 में से इसका, अब ये नंबर देखिए, कोई इसमें से 8 से डिवाइड है कोई नंबर, लास्ट के 3 डिजिट देखिए, क्योंकि 9 है 1 है तो ये होगा ही नहीं, तो मैं क्या करता हूँ सिर्फ इसको 3 से काट लेता हूँ, तो 3 से 3 8 24, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जो जो मैंने काटा है, ठीक है, तो 3 से काटता हूँ, 3 कौन बनेगा मेरा, 3 6 18, 3 2 6, 3 3 9, ठीक है, अब देखिए अब मेरा 8 बच गया, अब 8 से क्या करूँगा, मैं बस लास्ट के 3 डिजिट चेक करूँगा, और जो उनमें से बच जाएगा वो मेरा रिमाइंडर हो जाएगा, लास्ट के 3 डिजिट चेक करता हूँ, 8 1 8 ये कट रहा है, फिर आगे 8 1 8, फिर बचा 0, फिर मेरा 51, तो 8 6 48 बचा कितना 3, तो 3 रिमाइंडर यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे 8 उस 56, 56 बचा कितना 6, 8 8 64, आज 56, फिर बचा कितना 7, ये 7 बच गया, यहाँ पे फिर 8 6 48, ये आपका 7 बच गया यहाँ पे, ठीक है, अब कितना बना 49, और मैं उसे 49 कर लेता हूँ, ये कितना बचा 3 इंटू 49, दोबारा फिर 8 6 48, तो 1 बच जाएगा यहाँ पे, तो आ गया मेरा 3 रिमाइंडर, ठीक है, ये तब आया जब 8 था, मैं 3 से इसका फैक्टर किया था, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ वापिस, तो कितना आ गया मेरा 9 रिमाइंडर, जो एक्चुअल रिमाइंडर मेरा कितना आया है 9, कब, जब 24 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आपका 43 पे, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम कभी भी रिमाइंडर चेक करना हो क्या करते हैं, अगर 4 से डिवाइड करना हो तो हम सिर्फ लास्ट के 2 नंबर चेक करेंगे, जो बचेगा वो रिमाइंडर बन जाएगा, हमें पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है, जो यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, अगर 8 से करना हो तो क्या करेंगे हम, लास्ट के आपके 1 2 3 डिजिट चेक करेंगे, और यहाँ पे कुछ भी लिखा हो इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो बचेगा वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है, अब आगे चलते हैं 43 पे, 43 के आपका ये 1235, 1237 इंटू 1239, ये करना किससे आपको 12 12 से, अब मैं इसको 3 से काट देता हूँ, 3 चौक 12, अब याद रखिए आपने किससे मल्टीप्लाई करना, बाद में 3 से करना है, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 1 3, 3 3 9, ठीक है, अब आपको 4 से करना है, मैंने 4 से आपको क्या बताया था, 4 से बताया था मैंने कि आप लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे, ठीक है, इसका भी मैं लास्ट का 2 डिजिट चेक करूंगा, तो क्या आ गया यहाँ पे 4 4 8 32 बचा कितना 3 रिमाइंडर, 4 9 36 एक रिमाइंडर, 4 3 12 यहाँ पे एक रिमाइंडर बचा, ठीक है, अब मेरा कितना बन गया ये 3 3 बटे 4, मतलब कि मेरा रिमाइंडर कितना आया है 3, बट जब आया, जब मेरा बेस क्या है आपका डिवाइजर क्या है 4, मेरे को चाहिए कितना 12, तो वापस क्या करूंगा मैं इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे क्या आ जाएगा 9 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है, आपका 43 का क्या आ जाएगा फिर 9, ठीक है, आंसर क्या होगा 9, ऑप्शन सी, अब 44 पे चलते हैं, 44 क्या आपका, 44 आपका 660 इंटू 661 इंटू 662, ठीक है, इसको डिवाइड करना मुझे 17 से, इसको क्या करो आप, मैं 17 का ना कोई नियर बाई नंबर ले लेता हूँ, कैसे,
अब 17 को मैं डिवाइड करता हूँ जो मेरा आसपास हो, जैसे कि ये मुझे पता है 17 × 68 होता है ना, तो मतलब कि अगर 680 होता मेरा डिवाइड होता पूरा पूरा, ठीक है 17 से हो जाता है मेरा ये पूरा पूरा। अब मुझे करना क्या है, इसके नियर बाय लेना है। 680 की नियर बाय कौन सा हो जाएगा मेरा, अगर इसे इसे में 17, अगर 680 डिविजिबल है, अगर मैं 17 घटा दूँ तो भी डिविजिबल होगा, क्योंकि देख अगर 17 × 68 है तो इसमें 17 मैं रिड्यूस करूँगा तो मेरा 51 भी तो आपका डिविजिबल होगा 17 से। तो इसमें 17 अगर निकाल देता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 यहाँ पे 663 मेरा क्या होगा 17 से डिवाइड होगा, मतलब क्या नहीं मतलब ये है। अब मैं इसको बेस मान लेता हूँ, इससे निकाल देता हूँ, तो देखिए अब ये 660 है, ये मेरा इससे कितना मतलब कि कम है, 3 कम है, तो मेरा कितना आएगा रिमाइंडर, 3 आएगा, ठीक है। अब ये मेरा कितना कम है, ये 2 कम है, ठीक है, ये मेरा कितना कम है, 1 कम है, तो 3 × 2 = 6, तो मेरे पास कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 6, ये मेरे पास इसका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सॉरी ये रिमाइंडर मेरा भी नेगेटिव में आया है, ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे कम है ना, मतलब मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगाना था, ये देखिए क्योंकि 663 है ये मेरा बेस है, इससे कितना कम है -3, ये कितना है -2, ये कितना है -1, तो कितना गया ये 3 × 2 = 6 -6, मतलब कभी भी रिमाइंडर क्या होता है आपका नेगेटिव में नहीं होता। तो मैं क्या करता हूँ इसको लास्ट में 17 से ही इसको माइनस कर देता हूँ, तो कितना बचेगा मेरे पास 17 में से 6 का 11, मतलब कि मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या हो गया मेरा, ये मेरा रिमाइंडर है, ठीक है फाइनल रिमाइंडर। अब आपका 45 करते हैं, 45 में क्या है, आपका 45 क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या गिवन है कि 25 81 × 28 62 का होल स्क्वायर 28 73 का क्यूब। अब मुझे करना क्या है, मुझे इसको करना है मुझे 23 से करना है। अब देखिए क्या बचेगा, 23 से कम 23 बचा कितना 2, 23 से कम 23 बचा 5, 23 × 2 = 40 बचा कितना फिर 5, मतलब रिमाइंडर आ गया मेरा 5, यहाँ पे 23 से कम 23 बचा 5, 23 × 2 = 40 बचा कितना 10, 102 हो गया, 23 × 2 = 92, और मतलब कि 10 यहाँ पे मेरा रिमाइंडर बचा। अब यहाँ पे 23 से कम 23 5, 23 × 2 = 40 11, 113 बचा। अब 23 × 5 = 115 होता है, -2 रिमाइंडर हो गया, -2 का मतलब 21 की पावर 3। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ इसको, मैं इसको नेगेटिव में ले सकता हूँ रिमाइंडर को, नेगेटिव में कैसे, इसको मैं -2 कर सकता हूँ ना, 23 करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, इसको मैं -2 की पावर 3 कर सकता हूँ, ठीक है। इसको कितना कर सकता हूँ मैं 100, ठीक है ये मेरा 5 रहेगा। अब 100 को मैं 23 से दोबारा फिर डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा रिमाइंडर मेरा, 23 × 2 = 92 8 रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे करूँगा तो क्या आएगा मेरा -8, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा मेरा, अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ जो मेरे पास बचेगा, मतलब कि 5 बचा, यहाँ पे 8 बचा, यहाँ पे -8 बचा, कौन क्या है 23। अब आगे लेता हूँ तो ये 5 बचा और क्या बचा ये -64, ठीक है। अब देखिए मैं 64 क्या लिख सकता हूँ, ये भी तो लिख सकता हूँ ना, अगर मैं 23 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर मेरा -12 रखता हूँ तो -23 या 69, तो -5 बचेगा, ठीक है नेगेटिव रिमाइंडर ले लेता हूँ मैं, 23 या 69 बचा कितना -5, इंटू में 5 था मेरा यहाँ पे, तो ये कितना बचेगा 5 × 5 कितना बचा 25, करना किससे है 23 से ही। अब मेरे पास रिमाइंडर कितना आ गया 2, मतलब फाइनल रिमाइंडर कितना है मेरे पास में 2 आ गया, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, आपका 46 का, 46 में चलते हैं, 46 में क्या कह रहा है कि मेरा 1 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल है और 3 फैक्टोरियल है, ऐसे करके मेरा 100 फैक्टोरियल तक है, डिवाइड करना मुझे 5 से, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या होगा। अब आप एक बात देखिए कि मेरे पास क्या है कि आपका 100 तक तो आपका क्या कह रहे हैं 4 तक तो आपका आ जाएगा, बट 5 में देखिए 5 × मतलब कि 5 को मैं क्या लिख सकता, 5 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख पाऊंगा 5 × 4 × 3, मतलब देखिए आपका 0 बन रहा है यहाँ पे, 5 × 20 आ जाएगा, मतलब कि ये 5 से कटेगा ही कटेगा,
मतलब कि 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल बनेंगे मेरे, तो वो 5 से पूरे डिविजिबल होंगे। अगर पूरे डिविजिबल हैं तो क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि मेरे पास 5 के बाद तक का सारा सारा 0 हो जाएगा, तो मैं सिर्फ 4 फैक्टोरियल तक का रिमाइंडर चेक कर लूँगा, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, 0 0 रिमाइंडर बचेगा सब में। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे देखिए, इसका मतलब क्या होता है, एक का एक फैक्ट एक टू फैक्टोरियल का मतलब 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, और 4 फैक्टोरियल का मतलब 24। ठीक है, अब यहाँ से मैं रिमाइंडर निकाल लेता हूँ, यहाँ पे एक बचेगा, दो बचेगा, यहाँ पे आपका एक रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, इससे ये कट जाएगा, प्लस हो रहा है। ठीक है, फिर मेरा कितना रिमाइंडर बचा है यहाँ पे, 3। ठीक है, मेरा आंसर क्या जाएगा, 3। ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, 46। ठीक है, आगे चलते हैं आपका 47 पे। 47 में क्या है कि ऐसे ही आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि आपका 1 फैक्टोरियल है और 2 फैक्टोरियल है प्लस 3 फैक्टोरियल है, ऐसे करके मेरे पास क्या है, 100 फैक्टोरियल। अब बोला इसने 7 से डिवाइड करना है। अब आप एक बात देखिए, 7 मेरा कहाँ पे आएगा, 7 फैक्टोरियल के बाद आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 8 × 7, 7 फैक्टोरियल का मतलब 7 × 6, 9 का 9 8 7 6 ऐसे लेगा, मतलब कि मेरा होगा क्या, मेरा कि मेरा 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल तो कुछ चलेगा, इसके बाद 7 फैक्टोरियल जैसे ही आएगा वो मेरा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 7 से पूरा पूरा कटेगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 0 बचेगा। ठीक है, अब मैं सिर्फ यहाँ तक का कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब यहाँ तक का मेरा क्या आ रहा है, यहाँ तक का मेरा आएगा, अब 1 है, 1 को मैं क्या लिखता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, 2 को सिर्फ 2 लिख सकता हूँ, 3 को 3 × 2 × 1 6 आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 × 3 × 2 4 × 3 = 24 आ गया, और 5 को 5 × 20, 20 × 2 5 × 20 = 60, 60 × 2 = 120, 120 मेरा ये आ जाएगा। अब देखिए, 1 रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर, 6 रिमाइंडर, इसको मैं -1 भी कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ईजी रह जाएगा, -1 रिमाइंडर में ये कट जाएगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पे 7 × 28, यहाँ पे -4 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 7 × 7 बचा कितना, 5, सोचते 49 बचा यहाँ पे 1। ठीक है, अब मेरा कितना बचा, 2 − 4 + 1। अब यहाँ पे देखिए, मेरा यहाँ मेरा 5 फैक्टोरियल होगा, इंटू में 6 होगा। अब मेरा 5 फैक्टोरियल कितना आया, यहाँ पे 1 रिमाइंडर आया है, 6 में क्या आएगा, -1 आएगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा, -1 टोटल 6 में, तो ये -1 यहाँ पे इससे ये कट गया। अब यहाँ से -2 बच गया, अब माइनस नेगेटिव रिमाइंडर कभी नहीं होता, तो 7 − 2 कर दूंगा, तो सर क्या देगा मेरा, 5, मतलब कि मेरा सर क्या है इसका, 5। अब 48 चलते हैं, 48 में क्या गिवन है आपको, 48 में गिवन है कि मेरे पास नंबर है 1 फैक्टोरियल की पावर 1 है, प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 2 है, और 3 फैक्टोरियल की पावर 3 है, ऐसे करके 100 फैक्टोरियल की पावर कितनी है, 100 है, और मेरा डिवाइड मुझे किससे करना है, 5 से। अब अभी अभी आप एक बात देखिए, मेरा 5 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा जिसमें 5 होगा। ठीक है, अब 5 देखिए मेरा कहाँ पे आना स्टार्ट होगा, 5 के बाद आना मेरा स्टार्ट हो जाएगा, 5 × 4 × ठीक है, आना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं सीधा क्या करूँगा, मैं 4 तक लूँगा, मतलब कि मैं यहाँ पे 4 फैक्टोरियल तक लूँगा, 4, इसके बाद मेरा 0 0 आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर। अब देखिए, अब मैं 1 फैक्टोरियल की पावर 1 को क्या लिख सकता हूँ, आपका 1 लिख सकता हूँ पूरा पूरा। ठीक है, 2 फैक्टोरियल की पावर 2 को आपका मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और 3 फैक्टोरियल की पावर 3 को, अब 3 फैक्टोरियल मेरा कितना होता है, 3 × 2 × 1 × 3 × 6, मतलब इसको मैं 6 की पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब 4 फैक्टोरियल की पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ, अब मुझे पता है कि जो मेरा 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 24 होता है। ठीक है, मैं 24 लिख देता हूँ सीधा। ठीक है, अब क्या करता हूँ, अब मैं इसको इसका रिमाइंडर निकाल लेता हूँ, रिमाइंडर क्या बनेगा मेरा, अब मेरे पास एक्चुअल नंबर क्या बने हैं, 1 + 4 + 6 की पावर 3, ऐसे कैसे रखता हूँ मैं, ये 24 है, इसको भी ऐसे ऐसे रखता हूँ। अब मैं यहाँ पे 5 से करता हूँ, ये मेरा 4 बनेगा, यहाँ पे मेरा 1 बनेगा रिमाइंडर 6 में, तो 1 की पावर 3, तो मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 25 बनेगा, 25 बनाऊंगा तो नेगेटिव रिमाइंडर जाएगा, नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे -1 आएगा, -1 की पावर कितना आ जाएगा, 4, और नेगेटिव की पावर 4 होगी तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब कि अब मेरा अगर नेगेटिव की पावर 4 है तो ये पॉजिटिव बन गया, तो क्या हुआ, ये मेरा 1 + 4 + 1 + 1 मेरा ये बनेगा, मतलब 4 5 6 7, ये 7 बना, तो मतलब 7/5, तो कितना मिनट बचा, 2, तो आंसर मेरा ये 2 आ जाएगा। अब 49 कैसे है,
49 में क्या है कि मेरे पास ये की पावर 67 है प्लस 67 है, इसको डिवाइड करना है 68 से, रिमाइंडर क्या आएगा। अब आप एक बात देखिए, अगर मैं इस 67 को 68 से करता हूँ, मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव बचेगा, नेगेटिव पावर 67 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे इसको करूँगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर नेगेटिव पावर ओड हो तो क्या होता है, नेगेटिव रहता है, मतलब कि यहाँ पे मेरा नेगेटिव ही रहेगा, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी नेगेटिव है, ये 68 है तो कितना हो गया, -2, -2 रिमाइंडर आया, तो मतलब क्या है, मेरा नेगेटिव रिमाइंडर कभी नहीं होता, तो इससे मैं 68 से रिड्यूस कर दूंगा, मतलब 68 -2 कितना हो गया मेरा 66, तो मेरा रिमाइंडर ये बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 50 में, 50 क्वेश्चन क्या आपका, आपको ये सेम क्वेश्चन है आपका जो आपने 45 किया था, इसमें बस पावर बढ़ा दी गई है कि 81 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर कितनी है 28, 62 है, इसकी है 3 है, इसको करना है 23 से। अब मैंने आपको पहले बताया था ये, इसकी इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 बचेगा, तो पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पे रिमाइंडर 10 10 बचा था, 10 की पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा था मेरा, यहाँ मेरा रिमाइंडर बचा था 21 की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नेगेटिव रिमाइंडर में लिखूंगा तो 23 से करूंगा तो -2 आ जाएगा, मतलब कि -2 की पावर 3 हो जाएगी। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये मेरा आ गया 25, ये आ गया मेरा 100, ये आ गया मेरा -8, अब मुझे करना है 23 से। अब देखिए, मैं इसको 23 से करूँगा, 23 चौक 92 बचा कितना 8, मतलब कि 8 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे करूँगा तो मैं 23, यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ गया मेरा 2 × -64, अब मैं इनका रिमाइंडर निकालता हूँ तो क्या बचेगा, 2 × -64 का रिमाइंडर क्या होगा मेरा 23 3 69, तो यहाँ पे -5 बचेगा, तो -5 रिमाइंडर बचेगा मेरे पास, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 2 × 5, मतलब कि 10 मेरा क्या आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है, मेरे पास इसका आंसर ये होगा। चलो फ्रेंड्स, अब आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।